नमस्कार सभी को, मेरा नाम है श्रद्धा वर्मा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर की तरह काम कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो लेक्चर में अनुसंधान नैतिकता के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि जब हम रिसर्च वर्क यानी अनुसंधान के प्रति अपना कोई कार्य करते हैं तो उसमें नैतिकता का कितना बड़ा हम परिचय से शुरुआत करेंगे। व्यापक अर्थ में अगर हम देखें, अनुसंधान यानी किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गणवेशना करना, यानी इन हम लोग अगर कहें सादे शब्दों में कि रिसर्च मतलब जब हम कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं या नए विषय में जब हम नई ऊर्जा को स्थापित करते हैं या फिर नए बातों को हम लेकर आते हैं हमारे उस विषय में, तब हम कह रहे हैं कि हम अपना अनुसंधान यानी रिसर्च कर रहे हैं। इससे नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। इसका मतलब ये है कि हम ना केवल अपने लिए, ना केवल अपने सह संबंधियों के लिए, सहपाठियों के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम नए ज्ञान के द्वार खोल देते हैं जिनका उपयोग शिक्षण तथा निर्देशन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, ताकि जो आगे आने वाले लोग हैं वो हमारे इस वृद्धि को या अनुसंधान को देखकर वो आगे की अपनी निर्देशन प्रक्रिया को और स्थापित कर सके। नैतिकता इसमें एक दार्शनिक अवधारणा है जिसमें सही और गलत की अवधारणाओं को व्यवस्थित करा जाता है। इसमें हम ये देखते हैं कि नैतिकता के द्वारा हम अपने विचारों को, कौन से विचारों को सही हैं जिनको हम वहां पे स्थापित करें और कौन से ऐसे विचार हैं जो हमारे प्रक्रिया में गलत साबित होते हैं, हम उनको भी वहाँ पर व्यवस्थित तरीके से हम शामिल करते हैं। इसमें हम बचाव भी ध्यान में रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि नैतिकता से हमें ये भी समझ आता है कि किन विचारों को हमें बचा कर रखना चाहिए और किन विचारों को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो शायद हमारे लिए उस वक्त उस स्थिति में हमारे लिए सही नहीं है। और अनुशासन हमारे पूरे कार्यक्रम में, अनुशासन नैतिकता के द्वारा ही शामिल हो सकता है। रिसर्च एथिक्स में, जिसको हम बोलते हैं अनुशासन नैतिकता में, एक क्षेत्र है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुसंधान के लिए नैतिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए काम करता है। यानी जो नैतिकता का पाठ हम अपने बच्चों को ना ही हम अपने और साथ ही हम अपने सहपाठियों को सिखाते हैं, वो हमारा रिसर्च वर्क में किस तरह हमारे लिए लाभदायक है, वो इसीलिए है क्योंकि हम इसके अंदर सही और गलत की वैज्ञानिक सिद्धांतों को हम सही तरीके से स्थापित करते हैं। आमतौर पे अनुसंधान नैतिकता के मुद्दों में नैतिक मुद्दों से संबंधित लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। खासकर नैतिकता और नैतिकता के अंतयंत व्यक्तित्व परक प्रकृति पर विचार करना वहां पे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम अनुसंधान की नैतिकता के बारे में बात करते हैं तो उसमें नैतिक मुद्दों पे तो हमें बात करनी ही चाहिए, उससे संबंधित हमारे जितने भी विचारधाराएं हैं हमें प्रस्तुत करनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास खास प्रकार के लोग शामिल होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उस तरह के लोग नहीं हैं जो हमें नैतिकता के मुद्दों पर अच्छे विचारों द्वारा हमें ज्ञान बांट सके, तो उस तरह के हमारे पास हम क्या करेंगे उस टाइम पर, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशत नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्य चोरी है। अभी हम जानेंगे नैतिक शिक्षा क्या होती है। नैतिकता से अभिप्राय ये है आचरण की शुद्धता तथा आदर्श मानवीय मूल्यों को अपनाना। नैतिकता में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो भी आचरण है उसको हम शुद्ध प्रकार में प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य, उनको हम अपनाकर अपने कार्यशैली में स्थापित करते हैं। भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर मानव ने नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। आजकल हमारे मानव जाति में ये सोचने वाला विषय है कि नैतिक मूल्य हमारे खोते चले जाते हैं। परिमाण स्वरूप समाज में आतंक, भ्रष्टाचार, हिंसा एवं अपराध बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षा प्रणाली को अगर हम देखें तो उसको अगर हमें बेहतर करना है
तो उसमें भी नैतिकता व चारित्रिक उत्थान का द्योतक करना पड़ेगा। हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि शिक्षा प्रणाली में हमारी नैतिकता के मूल्य अभी भी जीवित रहें, बच्चों में भी और हमारे में भी। शिक्षा केंद्रों का मुख्य कर्तव्य यह है कि वे विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, परोपकार, न्याय, संयम और सहनशीलता जैसे गुणों को विकसित करते रहें। नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार कर सकते हैं, और हमें यही हमारा कोशिश रहना चाहिए हमेशा कि हम अपनी नैतिकता को उभारते रहें, साथ ही साथ हम उस पूरे प्रक्रिया में दूसरों के नैतिक मूल्यों को भी उत्थान कर सकें, उनका भी संचार कर सकें। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके। यह नैतिकता नैतिक शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। यानी अगर हमें शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें नैतिकता को उत्पन्न करना है और कहें कि अगर हमें उसको जागृत रखना है और उसका उत्थान करना है, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम नैतिकता को अपने शिक्षा प्रणाली में जगह दें, साथ ही साथ शिक्षा का एक जो क्षेत्र है नैतिक शिक्षा, उसको भी हम उत्थान कर सके, उसका भी शोध में नैतिकता मुख्य रूप से उस चीज से संबंधित है जो स्वीकार्य और जो अस्वीकार्य है। यह हमें जानना आवश्यक है हमारे शोध प्रक्रिया में कौन से ऐसे विचारधाराएं हैं जो हम स्वीकार कर सकते हैं और जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे मानव मूल्यों के आधार पर सही नहीं है, उनको हमें हमारी शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल बाहर रखना चाहिए, ना केवल हमारे कार्यों में बल्कि हमारे विचारों में भी। शोध की मौलिकता सदैव ही संदेह से परे रहनी चाहिए। शोधार्थी के लिए शोध में नैतिकता रखना और सत्य के प्रति निष्ठा रखना आवश्यक तथ्य है। यानी जब आप अपना कार्य कर रहे हो तब आपकी शोध क्रिया में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने प्रति, अपने काम के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति एक श्रद्धा भाव जरूर रखें। उसी से ही आपका एक सत्य के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो बनी रहेगी। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अगर आप अधिकांश नकल करते हुए पाए जाएं, अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन साहित्यिक चोरी मानी जाती है। इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में और पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे साहित्यिक चोरी होती क्या है। साहित्यिक चोरी का अर्थ लैटिन शब्द प्लेजरिज्म से आया है, जिसका अर्थ है अपहरण करना। देखिए ये कितना ज्यादा कठोर शब्द माना जाता है। जैसे कि साहित्यिक चोरी की परिभाषा से पता चलता है, जब कोई स्तोत्र का हवाला दिए बिना या शैर्य दिए बिना किसी अन्य कलाकार के काम का उपयोग करता है, तो वह साहित्यिक चोरी का उदाहरण होगा। साहित्यिक चोरी एक दंडनीय अपराध है और यह बौद्धिक चोरी का ही एक रूप है। यह हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम किसी के भी कार्यों को अपनाकर अपने कार्य की तरह उसको प्रस्तुत करें तो वो एक चोरी ही है। साहित्यिक चोरी ना केवल अकादमिक दृष्टि से बुरी है, बल्कि यदि आप कॉपीराइट भंग करते हैं तो वैधानिक अपराध भी माना जा सकता है। देखा जाए तो साहित्यिक चोरी अर्थात प्लेजरिज्म के चार लेवल होते हैं। हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में हर एक चीज के बारे में बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। साहित्यिक चोरी किसी के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। छात्र अक्सर स्तोत्र का श्रेय दिए बिना अपनी परियोजना में एक लेख के कुछ हिस्सों का अगर उपयोग कर ले, वो साहित्यिक चोरी मानी जाती है। इसीलिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को भी उतना ही हम समझाते रहें जितना हम अपने आप को इस नैतिकता की शिक्षा में ढालना चाहते हैं। शिक्षकों को छात्रों को साहित्यिक चोरी के साथ साथ साहित्यिक चोरी के बारे में चेतावनी देते रहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप अपराध ना कर रहे हो। देखिए साहित्यिक चोरी तो अपने एक चोरी का ही भाग है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे ऊपर कोई हमारा सुपरवाइजर नहीं है या कोई हमारे शिक्षक नहीं है और हम अपने ही द्वार के
जरिए अपनी शोध क्रिया या फिर अनुसंधान को हम लोग सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें नैतिकता ही हमें मदद कर सकती है कि हम इस चोरी से बचे रहें। हमारे मूल्य, हमारी भावनाएं, हमारे विचार अगर नैतिक हैं तो वो ही हमें इस साहित्यिक चोरी से परे रख सकते हैं। हमें ये ध्यान रखते रहना चाहिए कि हम अपने कार्य के प्रति श्रद्धा तो रखें ही, साथ ही साथ हम जो हमारे सगी संबंधियां हैं, सहपाठियां हैं या सहपाठक हैं या बच्चे हैं, छात्र हैं, हम उनको भी ये पाठ, ये ज्ञान हम देते रहें। इससे क्या हमारे पास लाभ होता है कि हम अपने पूरे समाज को, शिक्षा समाज को, हम उनका उत्थान कर सकते हैं। अब हम साहित्य की चोरी के बारे में और पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम के लिए बनाए गए कई कानून हैं, जो प्रत्येक शोधार्थी एवं शिक्षक को समझना चाहिए। साहित्यिक चोरी, हमने जैसे भी पढ़ा, वो चार लेवल के हैं, जहां लेवल जीरो पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं होती है, जबकि लेवल तीन पर सबसे कड़ी सजा यानी रजिस्ट्रेशन रद्द होने का भी एक जुर्माना लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुपरवाइजर को भी लगातार 2 वर्ष तक इंक्रीमेंट का अधिकार नहीं दिया जाएगा और 3 साल के लिए किसी नए मास्टर, एमफिल, पीएचडी छात्र या स्कॉलर को सुपरवाइज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साहित्यिक चोरी के काफी नुकसान हैं। ये ना केवल आपकी निष्ठा को भंग कर सकता है, आपके अभिमान को, आपके शिक्षा के प्रति सम्मान को खत्म कर सकता है, बल्कि आपको कुछ दंड भी मिल सकते हैं। वर्तमान में प्लेजरिज्म अकादमिक बेईमानी समझी जाती है। प्लेजरिज्म कोई अपराध नहीं है, बल्कि नैतिक आधार पर अमान्य है। इसीलिए साहित्यिक चोरी लेखन या वेबसाइट लेख के लिए लागू होती है, लेकिन यह संगीत, चित्र, वीडियो यहाँ तक कि नृत्य की कोरियोग्राफी जैसी बौद्धिक संपदा की चोरी में भी लागू होता है। आजकल प्लेजरिज्म कहिए या फिर चोरी कहिए, विचारों की चोरी कहिए, वो सिर्फ शिक्षा प्रणाली में नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में नहीं है, बल्कि वो सभी क्षेत्रों में ही उतनी ही लागू होती है जितनी की वो शिक्षा में है। बस हमें शिक्षक होने के नाते हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी एक जो सीमा होती है हमारे मूल्यों द्वारा स्थापित, उस सीमा को हम कभी लांघे।